डियर स्टूडेंट्स, कल हमने द्रव्य के भौतिक गुण पढ़े, जिसमें अपन ने बताया ठोस पदार्थ, ठोस द्रव एंड गैस, ठोस द्रव एंड गैस। आज अपन पढ़ेंगे द्रव्य के रासायनिक गुणधर्म। रसायन विज्ञान, रसायन ज्ञान की मूल अवधारणा, मूल अवधारणा है। इसके अंतर्गत अपन ने द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तो पढ़ लिए, ठोस पदार्थ, ठोस द्रव एंड गैस, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एंड गैसीय अवस्था, तीनों स्टेट अपन ने पढ़ ली। ठोसों में अपने पास बेंच हो गई, लकड़ी हो गए, पत्थर हो गए, सारे ठोस में आते हैं। द्रव में अपना जल हो गया, कोई भी विलयन हो गया, ये सब इसी में आते हैं। और गैसेस में वायु का मिश्रण आता है ना। तो अब यहाँ पे अपन एक बात करते हैं द्रव्य के रासायनिक गुणधर्मों की, द्रव्य के रासायनिक गुणधर्म, और द्रव्य के रासायनिक गुणधर्मों में क्या आता है, और द्रव्य के रासायनिक गुणों में देखें तो इसको दो भाग में डिवाइड करते। पहला होता है अपना शुद्ध पदार्थ, और इसको भी बांटते हैं अपन दो भागों में। एक होता है अपना तत्व और दूसरा होता है यौगिक। एक होता है एलिमेंट, दूसरा अपना कंपाउंड, है ना। और इधर अपन बात करते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरा आ जाएगा मिश्रण। और मिश्रण में भी दो प्रकार के आएंगे, समांगी मिश्रण, और दूसरा आएगा अपना विषमांगी मिश्रण। एक समांगी और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है अपना शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ के अंदर देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है ना। शुद्ध पदार्थ मतलब एक ही, रेत से बनी हुई है ना, रेत मिक्स आता है। शुद्ध पदार्थ मतलब सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सभी किस में आते हैं, शुद्ध पदार्थ में आते हैं, है ना। शुद्ध पदार्थ सबसे पहला होता है, फर्स्ट, ये हो गया सारी चीजें, इसके फर्स्ट है अपना शुद्ध पदार्थ। क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है, जैसे सोना, सोने को कहते हैं अपन ओरम, AU, चांदी, सिल्वर बोलते हैं इसको, AG, एल्यूमिनियम, AL आदि, ये सभी आते हैं शुद्ध पदार्थ। अब वापस कहते हैं शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के, तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के
प्रकार के होते है ना। अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तो पहला कौन सा आता है अपना तत्व, पहला कौन सा आता है तत्व। तत्व को क्या कहते हैं अपन एलिमेंट, तत्व को क्या बोलते हैं एलिमेंट कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमेंट, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट तत्व किसे बोलते हैं, जिसका रासायनिक संगठन कैसा हो, एक समान हो, जिसका रासायनिक संगठन कैसा हो या एक ही प्रकार से कणों से मिलकर बना। तत्व ऐसे पदार्थ या जिनका जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये तत्व, तत्व किसे कहते हैं जिनका जब जिनमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना चांदी लोहा आदि, जैसे सोना AU औरम बोलते हैं इसको है ना, चांदी चांदी को सिल्वर, सिल्वर की जगह अपन सिंबल इसका प्रतीक आता है AG। फिर आता है एक और लोहा, लोहा लोहे को अपन कहते हैं Fe आदि, ये सारे आते हैं। तत्व वापस पुनः तत्व कितने प्रकार के, तीन, धातु अधातु और उपधातु में है ना। तत्व को पुनः अपन कितने में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट को पुनः अपन तीन भागों में कौन कौन से, पहला आता है धातु जिसे अपन मेटल कहते हैं, दूसरा अपना अधातु अधातु, और तीसरा आता है अपना उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। धातु अधातु और उपधातु। अब तत्व के बारे में, तत्व क्या जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। सोना चांदी लोहा आदि, और तत्व कितने भागों में डिवाइड किया गया, तीन। और तत्व को तीन भाग कौन कौन से हैं, सोना चांदी सॉरी धातु अधातु और उपधातु। ठीक है, सबसे पहला आता है अपना धातु, मेटल किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं या मेटल किसे कहा जाता है, तो मेटल, मेटल धातु किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, कठोर होते हैं है ना, और ये बोले कि शुद्ध शुद्ध पदार्थ के रूप में होते हैं। सारी चीजें आती है इसके अंदर, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, विद्युत को ऊष्मा के कूचा अलग होते हैं है ना। सोना चांदी हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, सभी और आकार वर्धनीय और तन्वी होते हैं। धातु अपन ने पहला कैरेक्टर क्या बताते हैं, यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। दूसरा यह कठोर होते हैं, होते हैं। तीसरा इनके गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं, होते हैं। चौथा यह आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, यह आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, और तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। पांचवा पॉइंट यह विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे सोना
प्रतीक क्या होगा सोने का? Au, चांदी। Ag प्रतीक इसका। फिर जिंक, जिंक का होगा Zn आदि। ये हुई अपनी किसके बारे में बात? धातु। धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन के आकर धनायन बनाती है, कठोर व दृढ़ होती है, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? धातु के गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होंगे? तो उच्च होंगे, आघातवर्धनी यानी सोने के तो जानते हो जेवर वगैरह सब बनते हैं, तो सोने के लिए सोना चांदी जिंक वगैरह सब भी आते हैं इसके अंदर, धातुओं के अंदर आती है। दूसरी बात करते हैं अपन किसकी? अधातुओं की। दूसरी बात करते हैं अपन अधातुओं की बात करते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं, ठोस द्रव के समस्त तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, आघातवर्धनी और तन्य नहीं होते, विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगर अधातु की बात करें तो पहला मेन कैरेक्टर अधातु जिसको अपन बोलते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल को क्या कहते हैं? अधातु की बात करते हैं इसमें पहला कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन। अगर धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो अधातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। ऋणायन अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, ऋणायन बनाती है। दूसरा यह ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं या होते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीसरी बात इसकी करते हैं अपन, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यह ठोस तथा कठोर होते हैं, तीसरी चौथी बात यह आघात वर्धनी व तन्य नहीं होते हैं, है ना। इनके गलनांक कथनांक कमी होते हैं अपने पास, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, है ना। ये सारी चीजें आती है इसके अंदर, विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखो, जैसे गंधक फॉस्फोरस ब्रोमीन, गंधक एसिड फॉस्फोरस पी H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि, ये सभी किसमें आती है? अधातुओं में आती है। नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं, किस तीसरा पार्ट तत्व का कौन सा होता है? उपधातु। तीसरा पार्ट कौन सा है? उपधातु का होता है। तीसरा पार्ट अपना आता है उपधातु, है ना, उपधातु। तीसरा अपना उपधातु, उपधातु क्या बोलते हैं? जिनमें या बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं,
ऐसे पदार्थ जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं है ना। जैसे एग्जांपल इसके अपूरी आवर्त सारणी में अगर पी ब्लॉक में देखें तो पी ब्लॉक के अंदर एक सिडनुमा रेखा से इनको अलग से दर्शाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलिकन। फिर जी को बोला जाता है जर्मेनियम। और सिलिकन के बाद आता है अपने सिलिकन जर्मेनियम एस को बोला जाता है आर्सेनिक। और फिर अपने आर्सेनिक के बाद आता है एसबी को बोलते हैं एंटीमनी बोला जाता है। टीई टेल्यूरियम कहते हैं इसको। और लास्ट में आता है पीओ जिसको बोलते हैं पोलोनियम कहते हैं। फिर एक और आता है अपने पास एटी जिसको कहा जाता है एस्टेटाइन कहा जाता है। उपधातु ऐसे पदार्थ जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में इनको अलग से स्थान पी ब्लॉक के अंदर एक सिडनुमा रेखा द्वारा दिया जाता है। सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन, ये सारे क्या है अपनी इस पूरी आवर्त सारणी के अंदर, ये सारी क्या कहलाती है, उपधातु कहलाती है। ओके, अब द्रव्य के गुण एवं मापन ठीक है। ये नेक्स्ट आता है अपना क्या, तत्व के अंदर धातु अधातु तत्व हो गया। अब बताओ यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर परस्पर आपस में क्रिया कर क्या बना देते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे NH3H2O दो तत्व आपस में मिल रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। H2O में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। ये सारे सिंपल से एग्जांपल जो अपन जानते हैं। तो दूसरा वर्ड आता है अपना यौगिक को बोलते हैं अपन कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड, और यौगिक कंपाउंड क्या कहलाता है, यौगिक क्या होता है तो अपन बोलते हैं दो भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। आपस में संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, एग्जांपल के अंदर सबसे यौगिक लेते हैं NH3 जिसमें एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है, इसको अपन कहते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया कहा जाता है। देन H2O जानते हैं अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं इसको, जल कहा जाता है। और नेक्स्ट CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बोलते हैं पर यौगिक में क्या बोला, दो अलग अलग तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दो अलग अलग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला, क्या बना, अमोनिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, जल। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, मिश्रण की, वो करते हैं अपन कल बात करेंगे मिश्रण। क्योंकि मिश्रण किसे कहते हैं, जिसका रासायनिक संगठन कैसा हो, असमान हो, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के वापस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर। सारी बातें अपन कल बात करेंगे, इसके लिए थैंक यू।